तो आज हम फिर से लेट हो गए और आज हम निकलने वाले थे यमुनानगर हिमांशु से मिलने के लिए। सुबह हमें निकलना था 6 बजे या 5 बजे, 5 बजे और अभी बज रहे 10। अच्छी खासी धूप निकल चुकी है, ट्रैफिक भरा पड़ा है दिल्ली में, तो होपफुली हम लोग 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड देखते कितने बजे तक पहुंचते हैं। और बाय द वे रास्ता मुझे पता नहीं है, तो हिमांशु ने जो लोकेशन भेजी है उसी के हिसाब से मैं जाने वाला हूँ। और मोना आज पहली बार कहीं जा रही है बिल्कुल प्रॉपर फुल ऑन रेडी होके। ओए होए बेटा फोन यूज कर रहा है, बहुत ही बढ़िया हैवी ड्राइवर। कैश तो अभी यहाँ पे डल रहा है पेट्रोल 2000 रुपए का, और हमें यूपी के आसपास अभी कहीं पे गाजियाबाद में। तो यहाँ से हम लोग नीचे उतर जाएंगे जहाँ पे लिखा है अम्बाला और पानीपत, और ये वाला रोड लेके जाएंगे यमुनानगर सीधे। मोना सो गई है थोड़ी देर के लिए और हम लोग पानीपत पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद फिर आएगा आई थिंक सिलोकरा और फिर करनाल एंड देन उसके बाद यमुनानगर पहुंचेंगे। तो अभी टाइम लगेगा आई थिंक 2.5 घंटा और पीछे बहुत ट्रैफिक था इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया बीच में, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम रास्ता कवर करना था जब तक ये सो रही है। तो कंटिन्यू करते हैं रोड अभी, और थोड़ी थोड़ी बीच में नींद भी आ रही है बट मैं सोऊंगा नहीं, और यमुनानगर के पास जाके थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे और जिसमें चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि सुबह बिना कुछ खाए निकल गए हम लोग। तो इसको सोने देते हैं और राइड कंटिन्यू करते हैं। इस मोना उठ चुकी है और हम लोग हाईवे से भी उतर गए, करनाल क्रॉस कर दिया था, और अभी यमुनानगर बचा सिर्फ 45 किलोमीटर। हाउ इज इट नाउ? अब तो आपको भी पता लग गया होगा कि हर वीडियो में हर व्लॉग में इसको एक नाप तो बनता बनता है। वो इसलिए क्योंकि मैं सोई नहीं, मैं 4 बजे सोई थी और 7 बजे मैं उठ भी गई। अच्छा 4 बजे क्यों सोई थी? गुंजिया बना रही थी। एक्चुअली गुंजिया बना रही थी तो एक तो मैंने खाई, अच्छी बनी है, जो इसने बनाई है वो बहुत भरी भरी है, अच्छी से फील है, और जो बाकी घर में लोगों ने बनाई होगी वो थोड़ी कम फील है और वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने इसको पहले ही बोल दिया था कि अगर बनाएगी तो गुंजिया को अच्छे से फिल कर देना प्रॉपरली ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, मावा वगैरह डाल के, और इसने किया है। बाय द वे अच्छी लग रही है मैडम। तो अभी ये बहुत जोर की सुसु और लग रही है भूख, तो सुसु हम सोच रहे किसी रेस्टोरेंट पे रुक के करें, वहाँ पे टॉयलेट यूज करें, वहाँ पे थोड़ा बहुत खा भी लें कुछ और एक तो चाय पी लें। इस रोड पे दूर दूर तक रेस्टोरेंट कहीं पे नहीं, क्योंकि ये सिंगल रोड है और वॉशरूम तो जाना ही है, तो सोच रहे या तो घर जाके खाएंगे डायरेक्ट, लेकिन वॉशरूम तो यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मेरे को बहुत देर से नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं मैं रात गलत पोजीशन में सो गया या क्या हुआ, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ओह नाइस, ये देखो तो जो नेक में पेन हो रहा है उसको एक बार देखना पड़ेगा, मसल रिलैक्सर खानी पड़ेगी, क्योंकि टैबलेट वगैरह देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पेन रहा तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा, गाड़ी नहीं चला पाऊंगा ज़्यादा देर तक। और दूसरी बात, गो मैकेनिक पे एसी की सर्विस कराई थी गाड़ी के, और वहाँ पे भी बहुत बवाल हुआ, उन्होंने कोई सर्विस करी नहीं प्रॉपरली, और अभी मेरा एसी लिटरली 3 पे चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि 1 पे चल रहा है, इतनी कम हवा आ रही है और इतना कम ठंडा कर रहा है, और गर्मी हो रही है बाहर ज़बरदस्त, तो बस पूछो मत क्या हाल हो रहा है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यमुनानगर गाइस, और अभी हुआ क्या था, हिमांशु मेरे को वीडियो कॉल करके नेविगेट कराना था, और मोना के हाथ में था फ़ोन, और मुझे लेनी थी मिठाई घर जाने के लिए, तो मैंने दोनों के फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दिया, क्योंकि वो मना कर रहा था कि नहीं लेनी नहीं लेनी, फोन कर रहा होगा बार 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 फोन कर रहा है, और मैंने दोनों के फोन एयरप्लेन मोड पे डाल दिए। आज हो गया है नेक्स्ट डे, और कल हम जैसे ही हिमांशु के घर पे पहुंचे थे, वहाँ पे पहुंच के खाना खाया, और उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी मुझे नींद आ रही थी, मोना को भी नींद आ रही थी, तो सोए नहीं, बट वहाँ पे बातें कर रहे थे ताऊ और ताई के साथ बैठ के, और हिमांशु के साथ भी, फिर उसके बाद हमारी बहुत खाते थे मतलब मुझे तो पता है कि यूपी में अगर किसी के घर जाते हैं तो कैसा खाना वाना ऑफर होता है सब कुछ, इसको थोड़ा पहली बार एक्सपीरियंस हुआ कि कितना खाना मिलता है खाने के लिए, हर 15 मिनट में कुछ ना कुछ आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, खाओ 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 खाओ। फिर इवनिंग में मैं हिमांशु को बाहर लेके गया थोड़ा घुमाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से वो घर पे बैठा है,
क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा होती नहीं है, तो मैंने कहा चल घूम कर आते हैं। तो शाम को घूम कर आए, पान ट्राई किया, उसका व्लॉग मैं कर नहीं पाया क्योंकि कैमरा घर पे था, तो थोड़ा हिमांशु को भी देखना पड़ रहा था इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। उसके बाद इवनिंग में जब हम घर पहुँचे तो ताई जी ने मोना को कन्विंस कर लिया था कि तुम लोग आज रात को यहीं पर रुक जाओ, जबकि हमारा प्लान था कि हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे, बट वो नहीं मानी, तो इसलिए हमें फिर वहाँ पर रुकना पड़ा। रात को फिर से खाना खाया, और खाने के लिए आपको पता है पूछते हैं कि क्या खाना है तो कन्फ्यूजिंग फिर वह दोबारा था, तो मैंने हिमांशु को बोला अपने आप डिसाइड कर ले क्या खाना है, वही खा लेंगे सबको, सब लोग। वो तो अभी भी नहीं निकलने दे रही थी, 4 बजे चले जाना। और अभी भी हमारा सुबह का प्लान था कि हम सुबह 6 बजे निकलेंगे, वो 6 बजे होते होते अभी 3 बज गए, तो आप खुद इमेजिन कर लो। अभी फिर हिमांशु के साथ मैं बीच में दोबारा गया था, गाड़ी की वॉशिंग कराई, और वो थोड़ा अपने दोस्तों वगैरह से मिला काफ़ी टाइम बाद, और मोना घर पे थी। उसके बाद अभी ताऊ जी बोल रहे कि शाम को चले जाना 5 बजे, ताऊ जी बोल रहे कि एक काम करो सुबह ही चले जाना। मैंने कहा सुबह तो होली है, सुबह होली पे कैसे निकलेंगे। तो गाइस अब फाइनली हम लोग निकले हैं ऋषिकेश के लिए। तो यूपी के घरों में मोस्टली ऐसे ही होता है, और एक चीज़ तो तूने और देखी होगी कि घरों में जब खाना बनता है, ब्रेकफास्ट बनता है, तो चाय बनती है, ठीक है, तो चाय ऐसे नहीं बनती कि मतलब पूछ के बनाते हैं, ऐसे नहीं बनती, मैं बताती हूँ। ऐसे नहीं मिलती चाय कि तुम्हें बस एक कप चाय दे दी और छुट्टी, वो तुम्हारे सामने से लोटा भर के चाय रखते हैं कि तुम्हारा अगर कप खाली हुआ तो वापस से उसको फिल करो, खाली हुआ वापस से उसको फिल करो। तो मेरे साथ वही हो रहा है 2 दिन से। तो ये होता है कि आपके सामने चाय रख देते हैं अच्छी खासी, अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा तो आप उसमें से ले सकते हो, वैसे तो अपने आप ही डाल दी जाती है, वो पूछा नहीं जाता, पूछा नहीं जाता, तो आपको खाना ही पड़ता है। तो गाड़ी का मैंने आप लोगों को बताया था एसी बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, और इसलिए चक्कर में मेरे को ये शीट्स खरीदनी पड़ी, मैंने ब्लैक कलर की शीट ले ली है और सामने भी लगाई है, क्योंकि गाड़ी का एसी 3 नंबर पे चल रहा है और ठंडा फिर भी नहीं कर रहा, तो इसका होपफुली मोटर जो होगा डलाना पड़ेगा। रात ताऊ जी ने चेक भी कराया एक मैकेनिक के पास जाके, उसने भी सेम चीज़ बोली कि इसकी मोटर चेंज होगी, तो गलत टाइम पर एसी ख़राब हुआ है यार, कितनी गर्मी पड़ रही है। कल तो मैं मतलब इरीटेट हो गया था पूरे रास्ते में, एक तो गर्मी इतनी, ऊपर से लंबा रास्ता यमुनानगर का। अभी टोल आ गया सामने, मोना अपने पेटीएम में पैसे ऐड कर रही है ताकि वो मेरे पेटीएम में भेज सके। उसका चक्कर ये है कि जो मेरा पेटीएम पे फास्टैग था जिस नंबर पे, वो वाला नंबर बंद हो चुका और उसका मेरे पास लॉगिन पासवर्ड कुछ भी नहीं है। जब भी मेरे को टोल क्रॉस करना होता है तो मेरे को किसी के थ्रू अपने पेटीएम में पैसे ऐड कराने पड़ते हैं वॉलेट के अंदर, फिर वो पैसे कट जाते हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता मेरे फास्टैग के कितने पैसे पड़े हैं, है नहीं है पता नहीं, तो वो टोल पे करते हैं जिप टू ऋषिकेश। हिमांशु ने बोला था कि एक सर्टेन जगह के बाद कट लेना है, और वो कट गूगल ने दिखाया नहीं और मैंने मिस कर दिया, और हम लोग आ गए देहरादून में ऑलमोस्ट, और पहाड़ियों में अंदर चढ़े जा रहे हैं। तो देहरादून के पास से कट आएगा, वहाँ से लेना है, और थोड़ा सा लंबा पड़ गया थी कि रास्ता कि गूगल ने दिखाया नहीं, और मैं गूगल के हिसाब से चल रहा था तब से। मोना ढूंढ रही थी स्टे के लिए होटल, और नेटवर्क भी चले गए, यहाँ पे पहाड़ी में नेटवर्क भी नहीं आ रहे। अभी हम लोग किसी टनल में एंटर करने वाले हैं, और बहुत देर हो गई कि नेटवर्क आई नहीं थे फ़ोन में, और गूगल मैप का कुछ ज़्यादा पता है नहीं, तो लेट्स सी देहरादून के आसपास जाके पता लगेगा कहाँ मुड़ना है। वेलकम टू उत्तराखंड। अरे उत्तराखंड तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन बहुत देर हो गई एंटर किए हुए, तो अभी हमें कट लेना है ISBT के पास से, हमें लेना है राइट ISBT से, और हम निकलेंगे फिर सीधा ऋषिकेश के साइड में। अब पेट्रोल भी डलाना है अभी तो। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं देहरादून से आगे, और राजा जी को क्रॉस कर रहे हैं, और इस वाली रोड की बहुत सारी कहानी है जो मेरे को मामा ने बताई है, या फिर इधर उधर के लोगों से मैंने सुनी है इस रोड पे। तो ये पूरा राजा जी टाइगर रिजर्व के अंडर आता है, और इस रोड से जितने भी लोग जाते हैं जो रेगुलर हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पता है। तो ये देखो बंदर यहाँ पे बैठा हुआ पेड़ पे। यहाँ से ऋषिकेश काफ़ी पास में है, और यहाँ की स्टोरीज ये होती हैं कि पहले जब इस रोड पे नॉर्मली बस चलती हैं जो लोग जॉब करने के लिए जा रहे हैं रुड़की से या हरिद्वार से किसी भी एरिया से देहरादून से, तो यहाँ पे छोटे छोटे ना बोर्ड्स लगे हुए हैं कि आपको गाड़ी ध्यान से चलानी होगी क्योंकि ये एलिफेंट कॉरिडोर भी है, तो एलिफेंट्स कभी कभी आते जाते रहते हैं इस रोड से आसपास में। ये था कि मामा बस में ट्रैवल कर रहे थे देहरादून से ऋषिकेश की साइड, और बस के सामने एकदम से आ गया हाथी, और वो आके रोड पे बैठ गया, और उसको हटाने के लिए 3 घंटे लगे। पहली बात तो कोई बस से बाहर उतरा नहीं, और पूरी रोड जाम हो गई, और सब लोग बस के अंदर ही बैठे हुए थे, और 3 घंटे तक वहीं पे बैठा रहा। किसी ने ट्राई किया कि लंच वगैरह फेंके गाड़ी से बाहर, उसको देखने के बाद भी उसने हिला ही नहीं, वो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, कोई आवाज़ आई क्या हुआ, उसके बाद 3 घंटे बाद फाइनली वो रोड से हटा और ट्रैफिक निकलना शुरू हुआ। तो ऐसा कुछ भी इस रोड पर हो जाता है, अगर हमारे साथ हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा,
आपको पता नहीं व्लॉग का कंटेंट बन जाएगा हमारा, टाइम पास हो जाएगा, सीरियसली देखने को मिल जाएगा वाइल्ड वाइल्ड एलिफेंट, हाथी कॉरिडोर, हर जगह पे यही लिखा हुआ है। बहुत क्यूट होता है, बहुत इनोसेंट होते हैं। ऑलराइट गाइस, ऋषिकेश पहुंच गए और गाड़ी में बैठने के बाद होटल ढूंढा कम से कम आधे घंटे तक, और उसके बाद याद आया कि हम एक पुराने होटल में रुकते थे जिसका नाम है होटल तपस्थली। वहां पर आए और उनसे डायरेक्टली पूछा कि रूम कितने में दोगे, ऑनलाइन शो रहा था कितने में, 2000 रुपये में, और उनसे हमने पूछा कि तुम कितने में दोगे, तो उन्होंने बोला 1500। रूम चेक किया, रूम सही लगा और हमने 1400 तक में उनको मना लिया। और बाय द वे यहाँ पे पीछे एक हॉस्टल खुला है नया, वहाँ मैं देखने के लिए गया एक रूम, उसने मेरे को टैरिफ जो बताया उसको सुन के मेरे होश उड़ गए, 8000 रुपये एक रूम के, और वो बहुत ही बेसिक रूम था। और आज ऋषिकेश के अंदर इतनी भीड़ है कि पूछो मत यार, मतलब हर जगह की गाड़ी है, गुजरात, मुंबई, गोवा तक की गाड़ी दिखी मुझे, बिहार, दिल्ली और नोएडा की तो बहुत ही गाड़ियाँ हैं, गाजियाबाद की काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। तो उधर इस बार मुझे पता था कि उधर होली मनने नहीं वाली, लॉकडाउन लगा देंगे या कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो इस बार सब लोग यहीं पे आके होली मनाने वाले हैं। और ये नहीं कि सिर्फ यंग बंदे ज़्यादा यहाँ पे, पूरी अच्छी खासी फैमिलीज भी हैं, तो इस बार की होली ज़बरदस्त होने वाली है। कैन नॉट वेट फॉर टुमारो मॉर्निंग। अभी मैं जाके खाना लेके आया हूँ डेली बाइट से, उसका वीडियो पुराने ऋषिकेश की वीडियो में बहुत सारे हैं। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है ऊपर चढ़ के हल्का सा मेन रोड पे, और ज़्यादा भीड़ होती नहीं क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं उसके बारे में, क्योंकि बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि बहुत पुराना है, बट उसका खाना बहुत अच्छा है, तो मेक श्योर यू गो एंड ट्राई इट आउट। तो अभी खाना खत्म करता हूँ, और खाने में लिया कढ़ाई पनीर, रोटी और साथ में एक उनके ग्रिल चीज सैंडविच, वो भी बहुत सही है।